रितु मालू को राहत नहीं, रामजूला हिट एंड रन हादसे में नहीं मिली गिरफ्तारी पूर्व जमानत, रितु की गिरफ्तारी बन गई है चुनौती। मृतकों के परिजनों ने की सीआईडी जांच की मांग। पुणे के पोस्ट कार हादसे की तरह फरवरी माह में उप राजधानी में हुए रामजूला हिट एंड रन हादसे में 39 वर्षीय आरोपी रितिका उर्फ रितेश दिनेश मालू की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका को मुंबई न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इसके बाद रितु ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। बुधवार को उसकी याचिका पर न्यायालय के फैसले के बाद गिरफ्तारी से बचने की उसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हो गई है। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आज हमको एक ये चीज़ समझ में आती है कि कानून व्यवस्था भी जिंदा है, न्याय की उम्मीद, ऐसा नहीं कि आम जनता न्याय की उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दे। रितिका मालू की जो बेल माननीय सेशन कोर्ट ने 24 मई को रिजेक्ट की थी, जिसके बाद में रितिका मालू हाईकोर्ट की शरण में गई। आज 26 जून 2024 को माननीय हाईकोर्ट ने भी रितिका मालू की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उसकी बेल रद्द कर दी गई है। एक इसमें बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ पर न्यायपालिका से हमारे को ऐसे इंसाफ मिल रहे हैं, वही जो दूसरा एक पहलू है पुलिस का, अभी तक पिछले एक महीने से रितिका मालू पुलिस की पकड़ से बाहर है, गिरफ्त से बाहर है। छोटे मोटे अगर कोई घर की रितिका मालू रहती तो शायद अभी तक के उसके फैमिली वालों को हैरेस कर करके पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में दिन रात बिठा बिठा के रखते, उनको जमा कर लेते, उन पे केसेस लगा देते, मजबूर कर देते, जिससे रितिका मालू को पेश होना ही पड़ता था। बहुत एक दुख की भी बात है, जाए कि खुशी की बात है कि उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, वहीं दूसरी तरफ ही हमारे लिए दुख की बात है कि पुलिस ने अभी तक उसको अरेस्ट नहीं करी। जब भी पुलिस से बात हो तो पुलिस यही बोल रही है कि उसकी जांच शुरू है, उसका लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बस लाना बचा है, ऐसा है वैसा। वो हमको ये उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द रितिका मालू अरेस्ट हो, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगी तब तक ना हमको सुकून मिलेगा। ये भाई है, मृतक के भाई बैठे हैं, मृतक के फादर बैठे हुए हैं, मृतक के कज़न भाई बैठे हुए हैं, हमारा दोस्त था, हमारा भी भाई था, तो हमारे को जब तक के सुकून नहीं मिलेगा तब जब तक के रितिका मालू जेल के पीछे सलाखों के पीछे नहीं जाएगी। इसके अंदर पीएसआई भवाड़ और माधुरी सारडा का हस्बैंड, ये दोनों को भी अभी तक पुलिस द्वारा आरोपी नहीं बनाया गया है सबूत नष्ट करने के मामले में शराब की बॉटल्स हटा करके, जबकि सेम केस सेम कंप्लेन दिनेश मालू के अगेंस्ट ही, तो दिनेश मालू को फिलहाल आरोपी बनाई है पुलिस ने, लेकिन पीएसआई भवाड़ को अभी तक के पुलिस सेफ करके चल रही है। इसके अंदर इंसाफ हमको मिलना चाहिए। मृतक के आतिफ के पिताजी है। हमारा कहना यह है कि रितिका मालू अटक होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए, और हमारे दिशान भाई जो है वो हमारे साथ में है, पहले से हम साथ में थे और अभी भी वो हमें कॉपरेट कर रहे हैं, साथ में हमारे मोनू भाई भी है हा? और हम इसके बारे में ये दुख तो व्यक्त करते हैं कि अभी तक के वो अरेस्ट नहीं हुई, तो ये पुलिस की हलगर्जी है और ये नहीं चाहती है कि वो अटक हो। ये हम पर प्रेशर देकर आ रहा है और पुलिस हमारे केस को दबाने की कोशिश में है, इसलिए हमको न्याय मिलना चाहिए, रितिका मालू अटक होना चाहिए, ये हमारा कहना है। देखिए, इसके अंदर तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पहली बात तो कोर्ट एडमिट नहीं होता, हमारे भी लॉयर से बात हुई जिशान की, तो इन लोग के रास्ते पूरे बंद हो चुके हैं। बस पुलिस की जो लापरवाही है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, अगर अपने आप का पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाए तो ये जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको अटैक फॉर्म भर के जो भी इनका प्रोसेस है कोर्ट प्रो द्वारा हो जाए। क्योंकि देखिए, सेशन में भी वही आंसर, हाई कोर्ट में भी वही आंसर, तो कहीं ना कहीं कानून संविधान जिंदा है आज अपने देश में, जब भी सारी चीज़ें चल रही है, और ऊपर वाले का करम भी हुआ कि जो चीज़ सही थी, सच था, वो सब कुछ लोगों के सामने आया और आज इतना पता चला, ये मैसेज अच्छा गया हाईकोर्ट का कि पैसा पहचान कोई काम नहीं आती, क्राइम इज क्राइम। ये प्रेशर दे ही रहे हम शुरू से ही दे रहे हैं पुलिस को, पुलिस ने यहाँ पर हमको नहीं लगता कोई भी जगह खुद की ईमानदारी से अभी तक उन पर कोई कार्रवाई की है। शुरू से जब डे वन भी था, तब जब रितिका मालू और माधुरी सारडा को पीएसआई भवाड़ ने जगह से फरार भी करवाया था, तो उसके बाद जब हमने प्रेशराइज करे थे पुलिस स्टेशन जाकर के, वहाँ लिखित एप्लीकेशन में फ़ोटो के साथ लगाए थे कि पीएसआई भवाड़ की फ़ोटो मौजूद है, इनके रहते हुए में लड़की कैसे गायब हुई, अगर आरोपी नहीं आएंगी तो इसका पूरा ठीकरा भवाड़ के सर पे फूटेगा, वो प्रेशर में पुलिस ने लड़कियों को लेकर आई थी, पुलिस ने अपनी मर्जी से नहीं लाई थी।
दूसरी बात, पहले पीआई बुआ जो है तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई, वो शुरुआत में लड़की मिलने के पहले ये बार बार हमको बता रहे थे कि एफआईआर लेट मत करो, इसके अंदर में पहले गाड़ी नंबर पर गुना दर्ज कर दो, गुना दर्ज कर दो। जब लड़की मिल गई हमारे प्रेशर डालने के बाद, उसके बावजूद, लड़की मिलने के बावजूद पीआई बुआ पहले हमको यही समझा रहे थे कि आप अज्ञात के नाम से गुना दर्ज कर लो। उनका प्लानिंग साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बता रहा हूँ यही था कि पहले अनजान अज्ञात के नाम से गुना दर्ज हो जाए, बाद में एक दो दिन के बाद में कोई ड्राइवर को शो कर देंगे। तो हम लोग जब अड़ गए कि साहब जब लड़की मिल गई, उनका मेडिकल शुरू है बाकायदा, जब लड़की है तो अज्ञात के नाम का कोई सवाल ही नहीं, और जब तक उसके नाम से एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा हम और हमारे कोई भी लोग यहाँ से हलेंगे नहीं, तब जाके मुश्किल से रितिका मालू के नाम से एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में शराब की जो केस है वो भी आपको नॉलेज में है, शराब की भी केस पुलिस अपनी ईमानदारी से नहीं लगा रही थी, हमने जब उसके पूरे पहलू रखे तब जाकर आंदोलनों के बाद में शराब की केस लगी थी। तो अभी भी हमारा डिमांड यही है कि अभी तो कोई लीगल हर्डल ही नहीं है पुलिस के अगेंस्ट, कानूनी कोई अड़ंगा कोर्ट कचहरी का उनको 24 में से नहीं है। तो अभी अगर पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट नहीं करती है इनको, तो बहुत तीव्र आंदोलन कानून के दायरे में रहकर हमारे द्वारा किए जाएंगे। पुलिस विभाग ये भी ना समझे कि हम लोग विचलित होंगे या पुलिस ऐसा कर रही है तो हम लोग जज्बाती होकर या विचलित होकर कोई ऐसा काम कर देंगे कि कानूनी कार्रवाई उल्टी हम पर हो जाए। ये कोशिशें की गई है पुलिस के तरफ से इसके पहले, लेकिन हम लोग उतने विचलित इसके अंदर नहीं होंगे। बहुत तीव्र आंदोलन लेकिन इसमें ज़रूर किए जाएंगे कानून के दायरे में रह करके। अब रितिका मालू को पुलिस ने जल्द से जल्द अरेस्ट करके अपने भी सही होने का, स्ट्रांग होने का एक प्रमाण जनता को देना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।